वेलकम टू माय चैनल एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्लीट प्रोजेक्ट कोडिंग स्टेप बाय स्टेप इन पाइथन, ये इसका पांचवा पार्ट है। और इस पार्ट में आपको सिखाएंगे स्टूडेंट के मॉड्यूल के अंदर एक सर्च नाम का सब मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, और उस सर्च मॉड्यूल के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि स्टूडेंट के डेटा को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया से कैसे सर्च करते हैं। और अगर इसके आउटपुट की बात करें, जैसे ही आप स्टूडेंट के मॉड्यूल के अंदर आएंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये ऑप्शन आपको करा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज आपको बताएंगे हम थर्ड ऑप्शन, सर्च स्टूडेंट। तो जैसे ही आप थर्ड नंबर यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे कि सर्च बाय रोल नंबर, कि अगर आप रोल नंबर सर्च करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे वन प्रेस कीजिए, तो आपसे रोल नंबर इनपुट करेगा और जो भी रोल नंबर आप यहाँ पे देंगे उसके सभी डेटा आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप टू नंबर प्रेस करेंगे तो आप ये नाम इनपुट करेगा और जो भी आप नाम यहाँ देंगे उस नाम के सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से कोर्स के नाम से भी हम सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फोर नंबर प्रेस करते हैं तो वापस हम स्टूडेंट के मेन्यू में जा सकते हैं। तो ये है हमारे मॉड्यूल्स, उसके ऑप्शन। तो चलते हैं कोडिंग में। और कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा IDLE, और सर्च में डाल दिया मैंने IDLE। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि IDLE पाइथन का एक इनबिल्ट IDE है। आप इसको ओपन करेंगे और ये ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे अपने उस प्रोजेक्ट की फाइल को जो हमने सेव किया हुआ है ई ड्राइव में। तो ई ड्राइव पर गए और प्रोजेक्ट का हमने फोल्डर ओपन किया और ये हमारा मॉड्यूल स्टूडेंट। और ओपन करते ही हमारे सामने इसकी फाइल आ गई, देखिए। और यहाँ पर अब हम कोडिंग करेंगे, सर्च सब मॉड्यूल कैसे बनेगा। तो इसमें देखें, सबसे पहले आप चॉइस, यहाँ पे जो हमने इनपुट की है चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस फोर, और यहाँ पे हम एक चॉइस और ऐड करेंगे, देखिए ये वाली थर्ड नंबर वाली सर्च स्टूडेंट। तो इसी के नीचे आप यहाँ पे डाल दीजिए एलिफ और चॉइस इज इक्वल टू थ्री, और यहाँ पे आप करेंगे इम्पोर्ट और सर्च। ये देखिए, सर्च नाम का एक मॉड्यूल हम क्रिएट करेंगे अभी, और उस मॉड्यूल के अंदर से अब हम कॉल करेंगे सर्च मेन्यू को। तो हमने किया सर्च डॉट सर्च मेन्यू, ये हमारा फंक्शन जो बनाने जा रहे हैं अभी हम थोड़ी देर में, सर्च मॉड्यूल के अंदर सर्च मेन्यू नाम का एक मेन्यू बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, और उसके अंदर सभी ऑप्शन रखेंगे जो सर्च के अंदर हम यूज करना चाहते हैं। तो अब इसको पहले सेव कर लेते हैं, ये मैंने सेव किया। और अब यहाँ पे हम नई फाइल ओपन करेंगे, ये न्यू फाइल ओपन की, किस लिए? क्योंकि हमें सब मॉड्यूल बनाना है सर्च नाम का। तो और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे सर्च मॉड्यूल को डिफाइन करने की। तो उसमें हम करते हैं सबसे पहले डेफ सर्च अंडरस्कोर मेन्यू, ये देखिए। और उसके बाद सबसे पहला काम हमारा होता है कलर चेंज करने का, लेकिन उससे भी पहले हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे इस मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए, जो हमने मॉड्यूल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर रखे हैं वही सब मॉड्यूल्स अब यहाँ पे भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको आप उसी मॉड्यूल में जो हमने अभी ओपन किया था नया मॉड्यूल, यहाँ पे आप इसको सबसे ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये मॉड्यूल हमने यहाँ पे अभी पेस्ट कर लिए हैं, ये देखिए कंट्रोल वी से ये हमने इसको पेस्ट किया है, राइट। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, तो सिस्टम और यहाँ पे अगर कलर, और जो भी कलर आप देना चाहें वो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। और उसके बाद फिर स्क्रीन साफ भी कर लेते हैं, सिस्टम और CLS। तो ये देखिए, हमने कलर चेंज किया और आउटपुट की जो स्क्रीन है उसको क्लियर भी कर लिया है। और अब यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट और यहाँ पे डाल देंगे फोर, और उसके बाद जो भी आप कलर चूज करना चाहें, सपोज येल्लो, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस स्टाइल डॉट ब्राइट, और उसके बाद प्लस, और यहाँ पे बैक कलर भी डाल दिया हमने सेम वही। तो यहाँ लिखेंगे बैक डॉट और कलर का नाम हमारा ग्रीन, ये इस तरीके से। उसके बाद फिर प्लस, और यहाँ पे इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, मैंने मैक्सिमाइज किया। और फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे सर्च ऑप्शन, सर्च ऑप्शन, ये हमने मेन्यू बना दिया सर्च ऑप्शन का। और अब मैं इसको इतने को रन करके देखता हूँ, ये मैंने सेव किया। और चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे आए और यहाँ पे हम करेंगे py, और उसके बाद टाइप करेंगे फाइल का नाम, दे देंगे वही सर्च डॉट py। और जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये रन नहीं हुआ है अभी, और ये रन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया। तो इसको कॉल भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे नाम क्या रखा हमने फंक्शन का, सर्च मेन्यू, तो आप यहाँ पर डाल देंगे सर्च अंडरस्कोर मेन्यू। तो ये हमने इसको कॉल भी कर लिया। अब सेव करते हैं और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से लिखा py फाइल का नाम, और जैसे एंटर करेंगे तो देखिए सर्च ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे अंडरलाइन लानी है और वो मेनू भी हमें यहाँ पे बनाना है। तो चलते हैं फिर से कोडिंग में, और यहाँ पे इसी के नीचे हम एक लाइन खाली करेंगे और यहीं पर हम टाइप करना शुरू कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद फिर सेम लाइन फॉर, उससे अच्छा है कि आप इसे कॉपी कर लेते हैं
क्योंकि सिर्फ आपको एक अंडरलाइनिंग करनी है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से और कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देते हैं, ये अंडरलाइन के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे आप हटाएंगे इसको और यहाँ पे डैश डैश करके आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके बाद इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि वन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं सर्च बाय रोल नंबर, रोल नंबर से, और इसको यहाँ से हटाएंगे। उसके बिल्कुल ऐसे ही सेम सर्च बाय नेम नंबर 2 पे डाल देते हैं सर्च बाय नेम, डाल दिया मैंने सर्च बाय नेम के, नेम के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डाल देंगे नंबर 3 पे आ जाएगा सर्च बाय कोर्स, तो नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे सर्च बाय कोर्स, ये हमने डाल दिया सर्च बाय कोर्स। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डाल देंगे बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूल, ये देखिए स्टूडेंट मेन्यू, तो ये हमने पूरा बना दिया है। और हम यहाँ पे इसके नीचे एक और अंडरलाइन कर देता हूँ, तो कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम एक अंडरलाइन डाल देते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये मैंने अंडरलाइन डाल दी है। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या प्रिंट करेगा ये। तो पहले मैंने इसको सेव किया और जैसे सेव करेंगे तो फिर हम इसको रन करके देखते हैं, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आए और यहाँ डाल देंगे पी वाई से इसको रन करेंगे, तो ये देखिए कहीं ना कहीं की मिस्टेक रह गई है। तो मिस्टेक यहाँ 2 ब्रैकेट लग गए यहाँ पे गलती से, इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पर हटा देंगे और फिर सेव करेंगे और वापस फिर सेव करने का देखते हैं। तो ये मैंने रन किया और ये आपके सामने देखिए ऑप्शंस आ गए हैं कि 1 नंबर से ये 2 नंबर पे इस तरीके से। और अब यहाँ पे वही च्वाइस इनपुट करेंगे और जो च्वाइस देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें डाटा को सर्च करना है। वापस कोडिंग में आए और यहीं पर आप टाइप कर देंगे प्रिंट और उसके बाद स्लैश लगा देंगे कर तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर डाल देंगे एंटर योर च्वाइस और ये च्वाइस को मैं इनपुट करना है एक्चुअली। तो आप यहाँ पे प्रिंट को हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे चॉइस इज इक्वल टू इंट और उसके बाद इनपुट एंटर योर चॉइस, जो भी आप चॉइस इनपुट करेंगे वो जाएगी कहाँ पे चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे, तो इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 है तो हम सर्च करेंगे कैसे सर्च बाई रोल नंबर से। तो यहाँ फंक्शन कॉल कर लेते हैं सर्च अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर रोल नंबर, देखिए फंक्शन का नाम बड़ा हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीडेबल होना चाहिए इसे कि याद करने में आसानी रहे, कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद फिर एलिफ और यहाँ पर डाल देंगे चॉइस इज इक्वल टू 2 और उसके बाद डाल देंगे सर्च बाय नेम, ये नेम के अकॉर्डिंग भी हम सर्च करेंगे। उसके बाद फिर से एलिफ और चॉइस इज इक्वल टू 3, इस पर डाल देंगे हम सर्च बाय और यहाँ पर आ जाएगा कोर्स नेम कोर्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं केस 4 एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 4, तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है और बाहर निकलने के सिंपल लिखते हैं रिटर्न, तो ये यहाँ से वहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, स्टूडेंट के मॉड्यूल में, क्योंकि हम इस टाइम सर्च के मॉड्यूल में हैं। अब सर्च बाई रोल नंबर का जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, तो यहाँ पे टाइप करेंगे डेफ सर्च बाई रोल नंबर, ये इस तरीके से सर्च बाई रोल नंबर यहाँ पे फंक्शन बनेगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे कनेक्टिविटी और इनपुट भी करेंगे रोल नंबर को जिससे आपको सर्च करना है, तो इनपुट ही कर लेते हैं पहले। तो एन इज इक्वल टू इंट और उसके बाद इनपुट एंटर द रोल नंबर, ये इनपुट कर रहा है रोल नंबर के आपको कौन से रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा को सर्च करना है। और यहाँ सबसे पहले आप करेंगे कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए आपको याद है तो आप उसी मॉड्यूल से कॉपी कर लाते हैं। तो ये वापस आए हम अपने स्टूडेंट के मॉड्यूल में और यहाँ पे हमने कई बार की है कनेक्टिविटी, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जो लाइन होती है 2 लाइनें ये आप कॉपी करेंगे और ये मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया है और इसको वापस उसी में हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कनेक्टिविटी हो गई हमारी और अब यहाँ पे क्वेरी बना लेते हैं हम, तो क्यू इज इक्वल टू और क्वेरी बनेगी हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ रोल नंबर डाल देंगे हम जो भी हमने यहाँ पे इनपुट किया है n को डाल देंगे यहाँ पे हम, तो ये n से कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे करेंगे परसेंटाइल s और उसके बाद फिर यहाँ पे वेल इज इक्वल टू और यहाँ पे डाल देंगे ब्रैकेट में n को कोमा लगानी पड़ेगी आपको, चूंकि ये टपल की फॉर्म में देना होता है और टपल आपको अगर नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर देखिए आप पाइथन की वीडियोज़ को, वहाँ पर कहीं ना कहीं टपल मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल सेम बता चुके हैं आपको हम स्टूडेंट के मॉड्यूल में, तो आप वहीं पर जाएंगे और वहीं से कॉपी कर लाते हैं। तो ये मैं गया स्टूडेंट के मॉड्यूल में,
तो ये देखिए जो हमारा मेनू बना हुआ है, जो ऑप्शन बना हुआ है हमारा डिलीट स्टूडेंट का, तो बिल्कुल सेम कोडिंग लिखी हुई है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इसकी कॉपी कर लेता हूँ ये यहाँ से, और ये सेम एज इट इज़ जो डिलीट का मेन्यू है, डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया है। ये मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, और इसको मैं वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ अपने सर्च के मॉड्यूल में, और ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, राइट। तो ये देखिए कर डॉट एग्जीक्यूट क्यू और वे एल जो यहाँ पे नाम दिया वेरिएबल का, आप वो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये रिकॉर्ड फेच करेगा, और अगर वो फेच नहीं कर पाया इट मीन्स आपको रोल नंबर का डाटा नहीं मिल पाया, तो फिर ये आपको प्रिंट करेगा नॉट फाउंड कि डाटा इसको नहीं मिला, और अगर मिला तो उसके सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे इस तरीके से शो कर देगा। और अब हम इसको हम रन करके देखते हैं कि ये सर्च बाय रोल नंबर होता है या नहीं। तो मैं इसको सेव किया, और सेव करने के बाद चलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये आ गए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे, और सबसे पहले को रन करते हैं। ये मैंने रन किया और देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है, एल्स इफ एल्स आया तो एलिफ लगाना भूल गए हम यहाँ पे, तो एलिफ लगाएंगे तो वापस कोडिंग में आए, और देखिए हमने कहीं ना कहीं नीचे एल्स लगाया है तो वहाँ पे एलिफ लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एल्स लग चुका है, तो आप यहाँ पे एलिफ कर देते हैं एलिफ, और उसके बाद फिर से सेव करेंगे, उसके बाद फिर से रन करते हैं। रन किया और यह एंटर चॉइस, और सपोज मैंने यहाँ पे नंबर दबाया वन, तो जैसे वन नंबर प्रेस करेंगे तो इनपुट करेगा एंटर द रोल नंबर, सपोज डाल दिया मैंने 101, और जैसे एंटर करेंगे तो ये अगर डाटाबेस में तो शो करेगा, तो कहीं ना कहीं तो कोई मिस्टेक हो चुकी है। और देखिए मिस्टेक ये है कि लास्ट में लिखा है अननोन कॉलम रोल नंबर, तो रोल नंबर नाम को जो कॉलम हमारे डाटाबेस में नहीं है वहाँ पे आरएनओ के नाम से है, तो आप फिर से आपस कोडिंग में आइए, और जहाँ पे आपने क्वेरी अप्लाई की अभी अभी, तो ये जब आपने क्वेरी अप्लाई की देखिए वेयर आप यहाँ पे आरएनओ डाल दीजिए, उसके बाद सेव करो और फिर से रन करते हैं। तो मैंने रन किया और ये फिर ऑप्शन आए, और वन नंबर प्रेस करेंगे रोल नंबर डाल सपोज 101, और जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए कह रहे हैं नोट फाउंड कि इस नंबर का हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब हम सर्च करते हैं रोल नंबर 102 को, तो ये मैंने फिर से रन किया और चॉइस वही वन, और एंटर द रोल नंबर मैंने यहाँ डाल दिया 102, तो 102 का जो रिकॉर्ड होगा वो देखिए हमारे सामने आ गया पूरी डिटेल के साथ। और अब हम सर्च करेंगे नेम के अकॉर्डिंग, तो चलते हैं कोडिंग में, और यहाँ पे देखिए जैसे हमने फंक्शन बनाया है सर्च बाय रोल नंबर, ऐसे हम बनाएंगे सर्च बाय नेम। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे डेफ सर्च अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर नेम ये फंक्शन, और यहाँ पे जो कोडिंग लिखेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसी कोडिंग आएगी जैसे हमने स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो फंक्शन बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही। तो आप उसको ओपन कर लीजिए, ये हमने ओपन किया स्टूडेंट का मॉड्यूल, और यहाँ पे ओपन करने के बाद ये देखिए ओपन हो गया है, और इसके अंदर एक फंक्शन एड स्टूडेंट का है, और एक फंक्शन इसके अंदर डिलीट का है ये देखिए, और एक फंक्शन और है इसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ये देखिए। आप इसको कॉपी करना है, ये मैंने उस पूरे को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ये यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल सी से कॉपी किया, और उसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे सर्च मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। तो अब ये देखिए इस कोडिंग को जब हम थोड़ा एडिट करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, अगर सेम इसको ऐसे रन करते हैं तो सभी स्टूडेंट के डाटा प्रिंट करेगा, लेकिन हमें सबके प्रिंट नहीं करने हैं, हमें सिर्फ उन्हीं के करने हैं जो हम नाम इनपुट करेंगे। तो आप यहाँ पे एक नाम इनपुट कर लीजिए एन इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आएगा एंटर द नेम, जिसको आपको सर्च करना है वो नाम आप यहाँ पे इनपुट कर लीजिए, वो एन में आ गया है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाए देखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आप एक कंडीशन डाल देंगे इस तरीके से वेयर नेम इज इक्वल टू और परसेंटाइल एस, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है वी एल इज इक्वल टू, और यहाँ पे डाल देंगे एन, कोमा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये टपल है, और उसके बाद इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया क्यू कोमा वी एल, ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। तो जो आपने नेम इनपुट किया है उस नेम के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले करेगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद और अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और मैं इसको रन करता हूँ, ये मैंने इसको रन किया, ये देखिए उसके बाद इनपुट कर रहा है टू नंबर से सर्च बाय नेम, मैंने टू प्रेस किया और टू प्रेस कर इनपुट कर रहा है एंटर द नेम, और मैंने नाम डाल दिया सपोज यहाँ पे ए बी सी, ये नाम हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है डाटाबेस के अंदर, और जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए ए बी सी नाम का जो बंदा था वो स्क्रीन पे शो हो गया। और हम चाहते हैं कि एक दो और रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं एक ही नाम के, और देखते हैं सभी शो होते हैं या नहीं, तो मैंने उसको फिर से रन किया, लेकिन इस बार ऐड करने के लिए हम जाएंगे स्टूडेंट के मॉड्यूल में, तो ये हमने स्टूडेंट का मॉड्यूल को रन किया, और यहाँ पे आने के बाद अब देखिए ऐड स्टूडेंट मैंने वन डाल दिया, वन डालने के बाद रोल नंबर सपोर्ट डाल दिया मैंने 103, और उसके बाद यहाँ पे देंगे नाम
और सपोज एक्स वाई जेड, और ये नाम दे दिया कुछ भी ए बी सी डी, उसके बाद फीमेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे जो आप डालना चाहें, उसके बाद यहाँ पे फिर एड्रेस, उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देंगे हम ये देखिए फोन नंबर भी डाल सकते हैं, उसके बाद कोर्स का नाम डाल देंगे कुछ भी बी टेक सपोज, और सेक्शन डाल देंगे बी, और एक रिकॉर्ड और स्टोर कर लेते हैं हम, इसको फिर से रन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया है, और उसके बाद जो रोल नंबर दिया हमने 105, और मैंने नाम दिया ए बी सी। अब ए बी सी नाम के हमारे पास 2 रिकॉर्ड हो गए। आप यहाँ पे कोई फिलहाल ए बी सी डी और उसके बाद कोई भी नंबर नाम कुछ भी आप यहाँ पे फिलहाल टेस्टिंग के लिए कुछ भी डाल दीजिए, उसके बाद आप जब एग्जिट पूरा करेंगे तो वहाँ पे आप सेशन सेंटर डालेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कोर्स का नाम सपोज मैंने डाल दिया एम सी ए, और उसके बाद सेक्शन, और अब मैं इसको सर्च करता हूँ, और सर्च करने के लिए अब मैं सर्च का मोड रन करूँगा, तो मैंने कहा पी वाई और सर्च डॉट पी वाई, ये मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद देखिए पूछ रहा है किसके अकॉर्डिंग सर्च करना है, मैंने यहाँ पर डाल दिया 2, और जैसे 2 प्रेस करेंगे तो नाम दिया ए बी सी, और जैसे एंटर करेंगे देखिए ए बी सी जिन नाम के जितने बंदे हैं वो सब की सब लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और अब हम सर्च करेंगे कोर्स के अकॉर्डिंग, तो कोर्स के अकॉर्डिंग सर्च करने के लिए आपको बहुत सिंपल करना होगा, ये सेम फंक्शन आपको यहाँ से कॉपी करना है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी, उसके बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वापस आ जाइए फंक्शन के पास, जहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो रहा है ये देखिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया मैंने, और पेस्ट करने के बाद आप इसमें चेंजिंग करेंगे, और चेंज क्या करेंगे, सर्च बाय नेम की जगह आप यहाँ पे देखिए कोर्स कर देंगे, सर्च बाय कोर्स ये मैंने चेंज किया, और ऊपर देखिए ये ऊपर सर्च बाय नेम से है, ये सर्च बाय कोर्स आ गया, और आप यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, एंटर द नेम की जगह आप यहाँ पे डाल देंगे कोर्स, अब ये कोर्स का नाम इनपुट करेगा। इसी तरीके से कंडीशन लगा रखी हमने वेयर वाली, यहाँ पे भी आप कोर्स टाइप कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। अब इसको कंट्रोल से सेव कीजिए, और अब इसको फिर से रन करके देखते हैं, ये मैंने रन किया, और यहाँ पे डाल देंगे इस बार सर्च बाय नेम्स है, सॉरी कोर्स है नंबर 3, और जैसे एंटर करेंगे हमने दिया बी टेक, और देखिए एंटर करते ही बी टेक के जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर नहीं आया, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो चुकी है, और मिस्टेक देखिए क्वेरी के अंदर मिस्टेक है, और आप यहाँ पे आइए और क्वेरी चेक कीजिए अपनी, देखिए सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहाँ पे आप वेयर लिखना भूल गए हैं, तो वेयर उसके बाद कोर्स इज इक्वल टू नेम यहाँ से हट जाएगा, तो ये अब कोर्स के अकॉर्डिंग सर्च करेगा। सेव करा कंट्रोल एस से, और फिर जाएंगे हम कमांड इंटर पर कमांड मोड में, और उसके बाद फिर से हमने रन किया, और रन करने के बाद हमने डाल दिया सर्च बाई कोर्स के अकॉर्डिंग 3, और यहाँ पर डाल दिया बी टेक, ये बी टेक डाल दिया हमने, और जैसे एंटर करेंगे तो देखिए आपको बी टेक वाले बंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोर्स के नाम से, नेम के नाम से, और रोल नंबर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद अब मैं रोल नंबर सर्च करता हूँ, रोल नंबर 1 सॉरी स्पेस 1, और यहाँ पे रोल नंबर 102 डाल दिया। अब जैसे ये देखिए शो कर रहा है डाटा, और डाटा शो करने के बाद यहाँ से वापस बाहर आ जाता है, तो हम चाहते हैं बाहर नहीं निकलना इसे, इसे वापस सर्च के मेन्यू में ही आना है, जब तक हम फोन नंबर प्रेस नहीं करेंगे इसको मेन्यू में ही रहना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं वापस सर्च के मॉड्यूल के अंदर ही, और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये मेन्यू सर्च किया, देखो ये सर्च मेन्यू जो हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है, आप इसको यहाँ पे वाइल और यहाँ डाल दीजिए ट्रू, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप, तो ये मैंने इनफाइनाइट लूप डाल दिया, और अब जितनी भी ये कोडिंग है आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, टैब, ये मैंने टैब प्रेस किया, और टैप प्रेस करने वाली इसके वाइल के अंदर आगे सारे स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे केस 4 जब प्रेस करेंगे तो वापस यहाँ से बाहर आ जाएगा, और हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब रन करेंगे सर्च के मॉड्यूल को, तो आपको स्टूडेंट के मॉड्यूल से आना होगा, और जैसे आप चॉइस 4 प्रेस करेंगे तो यहाँ से बाहर निकल आएगा। अब मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अब देखिए डिफरेंस कितना आएगा, ये मैंने रन किया स्टूडेंट के मॉड्यूल को, ये देखिए पी वाई स्टूडेंट डॉट पी वाई, और मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्च के मेनू में नंबर 3 से, ये मैंने नंबर 3 प्रेस किया, और उसके बाद आ गए हम सर्च के मेनू में, और मैं अब यहाँ पे 1 नंबर प्रेस करके रोल नंबर सर्च करता हूँ, ये मैंने सर्च किया, और सर्च करने वो देखिए डाटा आया लेकिन एकदम से वापस आ गया, देख नहीं पाया हम उसको, तो हम यहाँ पे पॉज फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इससे बाहर निकलने के लिए 4 नंबर प्रेस कर दीजिए, ये मैंने 4 प्रेस किया तो ये बाहर निकला जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च के मॉड्यूल में आए, और यहाँ पे देखिए जो हमने ये डिस्प्ले फंक्शन जितने बनाए हैं, ये यहाँ पे देखिए जितने फंक्शन बनाए हैं, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देंगे सिस्टम, और उसके बाद पॉज, ये पॉज डाल दिया हमने यहाँ पे, कि जैसे ही डाटा शो होगा इसको ये रुक जाएगा स्क्रीन पे,
और उसके बाद इस फंक्शन को आपको कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, और जितने फंक्शन आपने शो करने के बनाए हैं, एक देखिए फंक्शन ये रहा सर्च बाई नेम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कंट्रोल बी से इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एक और है रोल नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी एक लाइन खाली करेंगे और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और अब इसको हम रन करके देखते हैं। मैंने सेव किया और इसको अब यहाँ से रन करते हैं। अब मैंने नंबर प्रेस किया 3, सर्च मेनू में गए और रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं 102, और जैसे ही मुझे 2 देंगे डाटा आपके सामने। अब ये रुक गया देखे प्रेस करने की, और जैसे ही कुकी प्रेस करेंगे तो वापस हमारे सर्च के मेन्यू में ही रहेगा। अब मैं नेम सर्च करता हूँ, मैंने नेम दिया और ABC, तो ये ABC के डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, और जैसे ही आप कुकी प्रेस करेंगे तो वापस सर्च के मेनू में। अब जब आप यहाँ फोन नंबर प्रेस करेंगे तो उसको वापस वहां पे जाना है जहां पे हमने फंक्शन कॉल किया। अब यहाँ पे देखते हैं जाता है कि नहीं, ये मैंने 4 दबाया और ये वापस वहां पे नहीं गया, वो बताएंगे आपको बाद में स्टूडेंट के मॉड्यूल में ही। तो ये था हमारा स्टूडेंट का मॉड्यूल, और इसके अंदर के जब भी ऑप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप समय रिक्वेस्ट वही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।